सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर डायरेक्टली स्लाइड्स के थ्रू। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को? देखो, अगर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें प्रोविजंस जो है वो एक्ट के समझने हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वन मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द सर्टेन की टर्म्स। Like you should be aware of what excessi is, you should be aware of what assessment is, you should be aware of what income is or a person is. तो अगर आपको provision समझना है, अगर आपको इस पूरे subject को, इस playlist को आगे income tax law and practice को एक अच्छी तरीके से समझना है, इसके लिए ज़रूरी है इन terms और इन definitions को समझना। और उसी क्रम में सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि भाई excessi क्या होता है। तो excessi की जो बात कही गई है वो section 2 सब सेक्शन 7 में कही गई है, तो आपको याद रखने हैं। अब क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, तो एग्जाम में आपको ये सेक्शंस जरूर लिखने हैं। तो कुछ कुछ आपको याद करने हैं, एक्सेसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, इसी तरीके से आगे हम और पढ़ेंगे एक्सेसमेंट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 8, पर्सन का पढ़ेंगे। तो आपको कुछ कुछ सेक्शन जो है वो अब जैसे जैसे पढ़ोगे आपको खुद याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार रीड करोगे, यू विल बी गुड टू गो। सो एक्सेसी होता क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में ये बताया गया। क्या बताया गया? एक्सेसी इज द पर्सन और एंटिटी दैट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब टैक्स कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को टैक्स कोई इंडिविजुअल पे कर सकता है गवर्नमेंट को टैक्स? हम और आप जैसे, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम फ्यूचर में किसी जॉब में जब काम करेंगे और हमारा पैकेज इतना हो जाएगा कि हम टैक्स पे कर सकते हैं, तो हम एज ए इंडिविजुअल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होंगे, तो हम अपने आप को क्या कहेंगे कि हम एक्सेसी हैं। तो एक्सेसी वो पर्सन होता है या वो एंटिटी होता है, एंटिटी हो सकती है जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सो उस वो एक्सेसी यानी कि टैक्स पेयर, बेसिकली जो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उसी को हम यहाँ पर एक्सेसी बोल रहे हैं। अब उस एक्सेसी में कोई भी इंडिविजुअल भी आ सकता है, हम और आप भी हो सकते हैं। अगर हम सर्टेन मनी जो है वो अर्न कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को वो पे करेंगे टैक्स, हम बिजनेस हो सकती है वो एक्सेसी, और वो कोई कंपनी या फर्म हो सकती है। सो बेसिकली इट इज द पर्सन और एंटिटी जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इन एडिशन इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। बेसिकली इस एक्सेसी में वो हर पर्सन शामिल है जिसके लिए, जिसकी इनकम बेसिकली देखी जा रही है, उसके लिए उसकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है, यानी कि उस पर असेसमेंट किया जा रहा है। बेसिकली जब हम टैक्स पेयर के टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि इतना कैलकुलेशन ऑफ इतना टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, और उसको इतना टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं पे करना होगा, तो हम इस प्रोसीजर को असेसमेंट कह रहे हैं कि भाई हम इस एक्सेसी के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, देयरफॉर हम उसकी टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसकी इनकम इतनी है तो वो इतना टैक्स पे करेगा। So, वही कहा गया है इसमें कि इन एडिशन इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। असेसमेंट किसका होगा? एक्सेसी की इनकम का हो सकता है, एक्सेसी के टैक्स का हो सकता है, उसके लॉस का हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो बेसिकली एक्सेसी कौन है? टैक्स पेयर, यानी कि जो बंदा है वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो बिजनेस हो सकती है, वो एंटिटी हो सकती है, जो भी लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग दी टैक्सेस, किसको? टू दी गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये एक्सेसी जो है वो समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट नाउ। ठीक उसी तरीके से जैसे एक्सेसी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 था, असेसमेंट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 है। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर की मदद से आप एक्सेसी की, यानी कि किसी इंडिविजुअल की या किसी बिजनेस की या किसी एंटिटी की इनकम को कैलकुलेट करते हो, डिटरमाइन करते हो। और ये काम कौन करता है? एक्सेसिंग ऑफिसर करता है, जो भी टैक्स कैलकुलेट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर।
बाय विच द इनकम ऑफ एन एक्सेसी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सेसिंग ऑफिसर. तो एक्सेसी क्या है? जो टैक्स पेयर है, जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग द टैक्सेस. और एक्सेसिंग ऑफिसर जिस एक्सेसी की इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, उस प्रोसीजर को असेसमेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8. सो इट मे बी बाय वे ऑफ अ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम जो कि प्रीवियसली एक्सेस की गई थी. दोनों ही कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं. सो आई होप आपको ये दो टर्म्स क्लियर हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 से एक्सेसी और सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 से एक्सेसमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पर्सन क्या होता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. अब यहां पर पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हम और आप होते हैं कि भाई एवरी पर्सन, हम बोलते हैं ना कि भाई हम, मैं पर्सन, आप पर्सन. यहां पर पर्सन का मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है. सो हियर पर्सन डज नॉट मीन, यहां पर सबसे पहली लाइन वही लिखी है कि आप कंफ्यूज ना हो. हियर पर्सन डजंट मीन एनी ह्यूमन बीइंग. इट डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग. इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो पर्सन यहां पर एक लीगल और एक टैक्स रिलेटेड टर्म है. अब क्या है ये, अब ये हमें समझना जरूरी है. सो जो हमने एक्सेसी की डेफिनेशन पढ़ी, कहीं ना कहीं वही हमें पर्सन की डेफिनेशन को क्लोजली रिलेट कराती है. या हम कह सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ एक्सेसी लीड्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, एज वी कैन से दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर. अब पर्सन बेसिकली आपको इस तरीके से इस चीज को समझना है कि पर्सन सबसे पहले ऊपर से आप ये समझ लो, द वन हु इज सब्जेक्ट टू पे द टैक्सेस. आपकी इनकम 10 लाख है, आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो कि आपको इतना पर्सन टैक्स देना है. आप यहां पर सब्जेक्ट हो कि आपको टैक्स पे करना है. इट मीन्स यू आर पर्सन. पर्सन हियर मीन्स द वन, बेसिकली मीन्स द वन हु इज सब्जेक्ट टू पे द टैक्सेस, जिसके ऊपर बात है कि भाई उसको टैक्स पे करना है. तो इस व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सन को समझना कि जो इनकम टैक्स देने वाला है वही कहीं ना कहीं पर्सन है, या जिसके ऊपर बात है कि वो टैक्स पे करेगा वही पर्सन है. अब इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि पर्सन का यहां मतलब कोई ह्यूमन बीइंग से नहीं है, क्योंकि टैक्स तो एज अ बिजनेस भी पे करेगा, एक लीगल एंटिटी तो वो भी है. तो टैक्स बिजनेस भी पे करेगा, टैक्स कोई फर्म या कंपनी भी पे करेगी. सो पर्सन यहां पर समझने का मतलब यह है कि वन हु इज सब्जेक्ट टू पे द टैक्सेस. सो यहां पर पर्सन में कौन कौन शामिल होता है? सो इन मोस्ट इनकम टैक्स सिस्टम अ पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग. तो हम ब्रीफली इन सभी को पढ़ेंगे. सबसे पहला है इंडिविजुअल, जो पर्सन में शामिल होता है, कोई भी इंडिविजुअल. सो द वन हु इज सब्जेक्ट टू पे द टैक्सेस कैन बी एन इंडिविजुअल. सो आप और हम दोनों ही इंडिविजुअल हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो कि टैक्सेस को पे करेंगे इन फ्यूचर, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो. सो इंडिविजुअल यानी कि कोई भी ह्यूमन बींग, कोई भी नेचुरल पर्सन, जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही आ सकते हैं. सो इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, दैट इज अ ह्यूमन बींग विच इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल. इसमें माइनर भी हो सकता है और अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड भी हो सकता है. बट जब असेसमेंट होगा इस केस में कि अगर पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, वो माइनर है या ऑफ अनसाउंड माइंड है या मेंटली अनस्टेबल है, तो इस केस में जो असेसमेंट होगा वो गार्डियन पर होगा या उस माइनर के, या द पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके मैनेजर पर होगा. बेसिकली हु इज एंटाइटल टू रिसीव हिज इनकम. अगर पर्सन साइकोलॉजिकली उतना फिट नहीं है, मेंटली उतना फिट नहीं है, सो उसका गार्जियन या उसका मैनेजर जो उसकी इनकम को हैंडल कर रहा है, बेसिकली असेसमेंट उस पर होगा. बट इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बींग विच इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल. इट इंक्लूड्स माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू.
So in case of minor or of unsound mind, whosoever is going to be the legal representative, उस पर ही assessment होगा. Next, जो person में शामिल है under section 2, subsection 31, माफ कीजिएगा miss हो गया, वो है कोई company, कोई भी company या कोई भी firm जिसके बारे में बताया गया है section 2, subsection 17 में. जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी को आपको याद रखना है कि कंपनी में फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, कंपनी में फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, इंडियन कंपनी भी हो सकती है. जब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, सो ये पूरी क्लासेस ऑफ कंपनीज हो सकते हैं. इट कैन बी अ डोमेस्टिक कंपनी, इट कैन बी अ फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में कहा गया है, नोट कर लेना. इंडियन कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में बताया गया है, फॉरेन कंपनी को बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A में. सो कंपनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें कंपनी में होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट डेफिनेटली इस पर्सन में, द वन हु इज सब्जेक्ट टू पे टैक्सेस में, कंपनी भी शामिल है. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल राइट नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा ये एक लीगल और टैक्स एंटिटी है विच इज रिकग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ. सो इंडियन लॉ के अंतर्गत इसको रिकग्नाइज किया गया है, एंड नॉट एग्जैक्टली इट इज बीइंग डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बट द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज अ फैमिली. इसको एज अ फैमिली कंसिडर किया गया है. सो इट इज अ लीगल एंड टैक्स एंटिटी, तो ये भी एक लीगल और टैक्स एंटिटी इसको माना गया है. एज अ फैमिली इसको कंसिडर किया गया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्सेस. सो द वन हु इज सब्जेक्ट टू पे टैक्सेस इज HUF ऑल्सो. सो इसमें एक हेड होता है फैमिली का, जिसको यूजुअली हम कर्ता बोलते हैं. देन हेड ऑफ द फैमिली की वाइफ, यानी कि कर्ता की वाइफ, हेड ऑफ द फैमिली के बेटे या बेटियां, यानी कि सन्स एंड डॉटर्स, और जो दूसरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो इस HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में शामिल होते हैं. अच्छी बात यह कि HUF जो है, दे कैन अर्न इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. दे कैन अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, दे कैन अर्न इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, दे कैन अर्न इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. और इसको जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें इसमें बिल्कुल ही एक सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी माना गया है. सो इनके पास अपना एक ओन पैन होता है, और वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी सेपरेटली जो है, वो इंडिपेंडेंटली जो है, वो कहीं ना कहीं फाइल कर सकते हैं. सो हिंदू लॉ में, नॉट एग्जैक्टली इन इनकम टैक्स में उसको डिफाइन नहीं किया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, बट इस एक्सप्रेशन को हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है एक फैमिली की तरीके. क्या कहा गया है कि एक फैमिली है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड दे इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड डॉटर्स. जैसा कि मैंने आपको कहा, कर्ता, कर्ताज वाइफ, कर्ता सॉन्स एंड सन्स एंड डॉटर्स एंड द क्लोज रिलेटिव्स, ओनली क्लोज वंस. सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ. तो पर्सन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल होते हैं, AOP. नाउ व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइज, तब उनको कहा जाता है, एंड देयर दे आर एक्सेसिबल. यहां पर जो एक्सेसिबल की स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, एक्सेसिबल की स्पेलिंग यहां पर होगी AESSESABLE. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, AESSESABLE. सो कई सारे लोग जब आपस में जुड़ते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइज, जॉइंट एंटरप्राइज होता है उसके प्रमोशन के लिए, तो वहां पर वो एक्सेसिबल होते हैं एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. एंड इफ दे डू नॉट इन लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, यानी कि बेसिकली लॉ में अगर वो पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सो लॉ में इफ दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, दे आर फॉर्मिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. वो भी सब्जेक्ट टू पे टैक्सेस में आते हैं, और वो भी जो है वो टुगेदर वो टैक्स पे करते हैं फॉर देयर जॉइंट एंटरप्राइज. सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ठीक वही मतलब है कि व्हेन अ पर्सन कम व्हेन पर्सन दे कंबाइन टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर जॉइंट एंटरप्राइज,
there they accessible as an association of person if they do not constitute a partnership in law. So in order to constitute an association, जो ये जो लोग हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं वो एक कॉमन पर्पस के लिए जुड़े होने चाहिए, कॉमन एक्शन के लिए जुड़े होने चाहिए. उनका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, इट मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम एंड इट इज नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली. सो इसमें को हायर्स को, लेगेटीज को, डोनीज, सो दे ऑल जॉइन टूगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस और एक्शन एंड दे वुड बी चार्जेबल एज एन एओपी. सो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जो इतनी ज़्यादा ये जो लॉ की भाषा है इसको हम कैसे समझें और क्या इसके लिए कोई आसान बुक है. सो मैंने कहीं ना कहीं हेल्प ली है एक बुक की, धीरेन कुमार महंता की है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉमर्स में. उनकी बुक है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस. सो थैंक यू सो मच धीरेन कुमार महंता. काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आती हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक. फिफ्थ पॉइंट जो हम समझने जा रहे हैं और पर्सन इंक्लूड्स दैट आल्सो, वो है आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन. अभी आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन क्या है, समझते हैं इसको. आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन क्या है? सो अब ये जो कैटेगरी है ये किसी भी, मतलब वो लोग जो किसी भी हेड में शामिल नहीं होते, ना वो HUF में शामिल हो रहे हैं, ना वो इंडिविजुअल में शामिल हो रहे हैं, ना कंपनी, ना फर्म, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो अगर वो किसी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो वो शामिल हो जाएंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में. सो एंटिटीज दैट हैव लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सी, तो ऐसी एंटिटीज जिनके पास ये लीगल राइट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो स्यू या वो स्यू हो सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इवन दो दे आर नॉट नेचुरल पर्सन और ह्यूमन बीइंग. इवन कि वो नेचुरल पर्सन या ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्यू हो भी सकते हैं, स्यू कर भी सकते हैं. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, ये आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है एंड दे आर included in this subject to pay the taxes and therefore they are the person. So person ka basically yahan par matlab hai one who is subject to pay the taxes. So artificial judiciary persons, entities that have legal rights and responsibilities including the ability to sue or be sued in a court of law even though they are not natural person or human being, and one such example is educational institutions or universities. So I hope aapko ye kuch terms jo hai isne kahin na kahin law related cheezon ki आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया जो है वो आपके दिमाग में दिया होगा. और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे मेल करके और मुझे मैसेज करके कि सर आप चीज़ें नोट्स जो है वो प्रोवाइड करते हो, किसी पर्टिकुलर बुक से प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं, तो मैं बहुत सारी बुक्स जो है वो कहीं ना कहीं रीड करता हूँ और उन बुक्स से रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ. वो किसी भी पर्टिकुलर बुक से नहीं होते हैं, एग्जैक्ट उनके नहीं होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि बहुत सारी बुक्स जो होती हैं उनके कंबाइन फॉर्म में नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं समझता हूँ और जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो लेके आता हूँ. बाकी लॉ की भाषा जहाँ पर सेम होती है तो आपको सेम भी दिखेगी कहीं 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 जगह, बट जो मोस्टली जो नोट्स होते हैं वो मैं खुद अपने हाथों से और अपनी सोच के हिसाब से आपके लिए बनाता हूँ. कई सारी बुक्स का यूज़ बेशक जो है वो मैं करता हूँ. कोई स्पेसिफिक बुक का अगर मैं आपको नाम लूँ तो वो सही नहीं होगा. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक वेयर वी आर गोना टॉक अबाउट इनकम. टिल देन इनकम इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में का पहले ही आपको सेक्शन बता दूं ताकि आप तब नेक्स्ट लेक्चर तक आते आते आपको याद हो जाए. इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. इस प्लेलिस्ट को बहुत प्यार दीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचाइए, सपोर्ट दीजिए अगर पसंद आ रही है तो. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर.